हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सिक्स्थ सेमेस्टर C#.NET में ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर रिवीजन टॉपिक है हमारा आज का ड्राइंग इलिप्स एंड सर्कल्स इन C#, यानी कि किस तरीके से हम शेप्स जो ड्रॉ करते हैं C# ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में, तो उसमें हम किस तरीके से इलिप्स को या सर्कल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं C# में। सो आइए बात करते हैं। इलिप्स एंड सर्कल्स आर ड्रॉन इन C#, यानी कि इलिप्स को और सर्कल्स को हम ड्रॉ करते हैं C# में यूजिंग द ड्रॉ इलिप्स मेथड, यानी कि ड्रॉ इलिप्स मेथड की हेल्प से ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट क्लास में, यानी कि ग्राफिक ऑब्जेक्ट क्लास में हमारा एक मेथड होता है ड्रॉ इलिप्स, जिसकी हेल्प से हम इलिप्स को ड्रॉ करते हैं या सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। द साइज ऑफ द शेप टू बी ड्रॉन, यानी कि जो शेप की जो साइज होती है उसको हम ड्रॉ करते हैं और डिफाइन करते हैं स्पेसिफाई करके रेक्टेंगल की हेल्प से, यानी कि द साइज ऑफ द शेप टू बी ड्रॉन इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग अ रेक्टेंगल इन टू विच द शेप मस्ट फिट, यानी कि यहाँ पर साइज जो होता है शेप का उसको हम ड्रॉ करते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि स्पेसिफाई करके कि रेक्टेंगल को कि जहाँ पर हमारी शेप जो है वह फिट बैठ सके। एज विद द ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड, यानी कि अगर हम बात करें ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड की, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, यानी कि देयर आर टू वेज टू यूज ड्रॉ इलिप्स मेथड, यानी कि ड्रॉ रेक्टेंगल की हेल्प से हम यहाँ पर दो तरीके से ड्रॉ इलिप्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। टू ड्रॉ एन इलिप्स विदाउट फर्स्ट क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हमें इलिप्स ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हमें पहले क्रिएट करना होगा रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए हमारे पास फॉलोइंग सिंटैक्स ये होगा ग्राफिक्स obj.drawElips, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, इलिप्स को ड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉ इलिप्स मेथड की हेल्प से, जिसमें कि हमारा पेन ऑब्जेक्ट होगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स और हाइट और वेट यहाँ पर होगा हमारा, ठीक। द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्रिएट्स अ रेक्टेंगल, और ये फॉलोइंग एग्जाम्पल जो है ये हमारा क्रिएट करेगा रेक्टेंगल के लिए, विच इज़ देन यूज एज एन आर्ग्यूमेंट टू ड्रॉ इलिप्स, ठीक है। यानी कि जो हम एग्जाम्पल को अब डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा रेक्टेंगल को क्रिएट करेगा, जिसके हेल्प से हम यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को ड्रॉ इलिप्स मेथड के थ्रू इलिप्स ड्रॉ करने के लिए। प्राइवेट वाइट फॉर्म 1 पॉइंट, ठीक है। पेंट मेथड के इवेंट के अंदर यहाँ पर हमने पेंट इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, जिसमें हमने system.drawing.graphics की हेल्प से हमने यहाँ पर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट बनाया। देन ग्राफिक्स obj.createGraphics, यानी कि ग्राफिक्स obj की हेल्प से हमने क्या करा, इंडेक्सर को लेकर यहाँ पर क्रिएट ग्राफिक्स मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पर हमने पेन ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट के लिया पेन ऑब्जेक्ट, माई पेन वेरिएबल नेम हो गया उसका। देन न्यू पेन की हेल्प से हमने system.drawing.color, यानी कि सिस्टम के थ्रू हम जो पेन का कलर ले रहे हैं वह कलर हमारा ग्रीन होगा, और उस पेन का जो पिक्सल्स होंगे वह 5 पिक्सल्स विड्थ होंगे, यानी कि 5 पिक्सल वाइड होंगे। अब रेक्टेंगल माई रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पर हमने रेक्टेंगल मेथड को माई रेक्टेंगल मेथड को कॉल करा है। माई रेक्टेंगल मेथड को कॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर 20, 20, यानी कि एक्स एंड वाई और हाइट और विड्थ क्या हो गई, 250 और 200। अब हमने क्या करा, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के जरिए हमने इलिप्स को यहाँ पर माई पेन और माई रेक्टेंगल मेथड को कॉल करा, माई पेन और माई रेक्टेंगल मेथड को हमने यहाँ पर कॉल करा, किसके अंदर, ड्रॉ इलिप्स मेथड के अंदर, ठीक। जिससे कि क्या करेगा, माई रेक्टेंगल के थ्रू तो हमारे यह चीज़ सब, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और हाइट और विड्थ, ये हमारे पास कॉल होकर आ जाएगी। और पेन की हेल्प से क्या हो जाएगा, इन कोऑर्डिनेट्स को वह इलिप्स की फॉर्म में ड्रॉ कर देगा, इन कोऑर्डिनेट्स को वह इलिप्स की फॉर्म में ड्रॉ कर देगा। तो उस समय जो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर इलिप्स की फिगर जो डिस्प्ले होगी वह कुछ इस तरीके से होगी, जो कि हम इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ड्रॉ की है। तो जब हम इन कोऑर्डिनेट्स को वहाँ पर एंटर करा के और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी इलिप्स की इमेज जो है वहाँ पर वह ड्रॉ हो जाएगी।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इलिप्स को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ इलिप्स मेथड एंड विद द असिस्टेंस ऑफ माय रेक्टेंगल मेथड। अब तक स्टूडेंट जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ड्रॉ लाइन मेथड होता है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड होता है, इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ड्रॉ इलिप्स मेथड का यूज़ करते हैं हम। अब हमारे पास बात आ रही है यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट, यानी कि जिस तरीके से हम किस तरीके से हम टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं सी शार्प में। सो यहाँ पर हम जो टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए मेथड को यूज़ करते हैं, तो उस मेथड का हमारा जो नेम होता है वह हमारा होता है ड्रॉ टेक्स्ट मेथड, ड्रॉ टेक्स्ट मेथड। सो टेक्स्ट इज ड्रॉन ऑन टू अ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि टेक्स्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के अंदर यूजिंग द ड्रॉ टेक्स्ट मेथड, यानी कि ड्रॉ टेक्स्ट मेथड को देखकर। द सिंटैक्स फॉर दिस मेथड इज एज फॉलोज, यानी कि इस मेथड की जो सिंटैक्स है वह कुछ इस तरीके से होगी, ग्राफिक्स ओबीजे डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, ग्राफिक्स ओबीजे डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, और यहाँ पर उसकी स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग का फॉन्ट साइज ब्रश और एक्स कॉमा वाई, यानी कि स्ट्रिंग उसकी फॉन्ट वैल्यू उसका ब्रश, यानी कि जिसके ब्रश में हम क्या स्टेप ले रहे हैं उसका, देन एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर क्या होगा था स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज, यानी कि जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट होंगे वह स्पेसिफाई करेंगे टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए। फॉन्ट जो होगा वह डिफाइन करेगा कि जो फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए वो हमारा रिक्वायर होगा क्रिएशन के लिए फॉन्ट ऑब्जेक्ट के। ब्रश ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो द ब्रश ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू पेन ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्रश ऑब्जेक्ट जो जिस तरीके से हम पेन की हेल्प से हम शेप्स को ड्रॉ किया था, लाइंस को ड्रॉ किया था, रेक्टेंगल्स को ड्रॉ किया था और इलिप्स को ड्रॉ किया था, सेम हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है ब्रश ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर टेक्स्ट को ड्रॉ करेंगे। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर हमारा मेथड कलर हम यूज़ करते थे, यहाँ हम फिल पैटर्न यूज़ करते हैं, यहाँ हम फिल पैटर्न यूज़ करते हैं ब्रश की हेल्प से। फाइनली द एक्स एंड वाई वैल्यूज स्पेसिफाई द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो एक्स और वाई वैल्यूज बचती हैं वे हमारा टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट को इंडिकेट करती हैं, यानी कि हमारा टेक्स्ट की जो इंडेंटेशन है या हमारे टेक्स्ट की जो कह सकते हैं अलाइनमेंट है वे किस तरीके से स्पेसिफाई होंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हमें क्रिएट करना है फॉन्ट ऑब्जेक्ट के लिए, फॉन्ट ऑब्जेक्ट में फॉन्ट साइज जो होगा हमारा वो फॉन्ट फैमिली जो होगी फॉन्ट स्टाइल जो होगा उसके लिए, तो आप देखें यहाँ पर कि टू क्रिएट अ स्ट्रिंग हेलो, अगर हमें कोई स्ट्रिंग क्रिएट करनी है हेलो नाम से तो हमें 40 पॉइंट इटैलिक पॉइंट वहाँ पर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फॉन्ट माई फॉन्ट, यानी कि माई फॉन्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, देन न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट में हम फॉन्ट फैमिली में अब हम क्या ले रहे हैं देखें आप हेलवेटिका, हेलवेटिका दिस इज फॉर देन 40 हमारा फॉन्ट साइज हो गया, देन फॉन्ट स्टाइल हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स फॉन्ट फैमिली हमारी हेलवेटिका हो गई, देन 40 हमारा साइज हो गया, देन फॉन्ट स्टाइल हमारी इटैलिक हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हमने फॉन्ट का जो है फॉन्ट ऑब्जेक्ट के लिए सारी फील्ड उसकी डिफाइन कर दी। अब ब्रश ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाई स्पेसिफाइंग बाई कॉलिंग द एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर, यानी कि ब्रश ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम क्रिएट करते हैं स्पेसिफाई करते हैं कॉल कर जो एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारा ब्रश टाइप के लिए और स्पेसिफाई करता है कलर के लिए। अब देखें आप ब्रश माई ब्रश, माई ब्रश ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, इसमें सॉलिड ब्रश होगा यानी कि ब्रश टाइप क्या होगा सॉलिड ब्रश होगा, देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि उसका जो हमारा स्टाइल होगा ब्रश का सॉरी टाइप जो होगा वह सॉलिड ब्रश टाइप हो है हमारा, देन उसका जो कलर होगा वह हमारा ब्रश का कलर होगा रेड, ब्रश का कलर होगा रेड। देन लेट अस डिस्कस ऑल दिस ऑपरेशन इन कोडिंग, अब आइए इसको कोडिंग की हेल्प से हम समझते हैं। प्राइवेट वाइट फॉर्म वन पेंट, यानी कि यहाँ पर फॉर्म वन को हमने पेंट मेथड के अंदर लिया है, ऑब्जेक्ट सेंडर पेंट इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट लिए हैं हमने यहाँ पर, इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट लिया है हमने यहाँ पर,
देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स ग्राफिक्स ओबीजे, यानी कि यहाँ पर हमने ग्राफिक्स को ऑब्जेक्ट टाइप में लिया हुआ है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट ग्राफिक्स मेथड की हेल्प से। अब फॉन्ट माई फॉन्ट यानी कि फॉन्ट फैमिली में हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर माई फॉन्ट पर गए, माई फॉन्ट पर न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग फॉन्ट, माई सिस्टम पर हम गए फॉन्ट पर, फॉन्ट पे जाकर मतलब हेलवेटिका जो है वो उसकी फॉन्ट फैमिली है, देन 40 उसका फॉन्ट साइज है, देन फॉन्ट स्टाइल उसकी इटैलिक है, ठीक डिफाइन कर दिया यहाँ पर हमने। अब ब्रश माई ब्रश इज इक्वल्स टू न्यू सॉलिड ब्रश, यानी कि ब्रश हमने जब हम पेन ऑब्जेक्ट ले रहे थे शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, अब हम टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए ब्रश ले रहे हैं जिसमें हमारा ब्रश टाइप जो होगा वह सॉलिड ब्रश होगा, ठीक। और सिस्टम डॉट कलर डॉट रेड, और हमारा जो कलर होगा वह रेड होगा। देन ग्राफिक्स ओबीजे डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ले लिया हेलो सी शार्प, देन माई फॉन्ट फैमिली के थ्रू हमारी ये सब चीज़ें वहाँ पर डिफाइन कर दी हमने, माई फॉन्ट फैमिली के थ्रू हमने ये सब चीज़ें कि हमारा हेलवेटिका फैमिली का होगा वह 40 हमारा फॉन्ट साइज होगा और फॉन्ट स्टाइल हमारा इटैलिक होगा, तो यह सब चीज़ यहाँ से खोल हो गई माई फॉन्ट की हेल्प से। देन माई ब्रश की हेल्प से हमारा यह सब कलर और सॉलिड ब्रश हो गया, देन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम यूज़र के द्वारा एंटर कराए हैं, ठीक। तो इसके थ्रू हमारा जो होगा जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे पास कुछ जो टेक्स्ट ड्रॉ होकर आएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर वह कुछ इस तरीके से होगा, हेलो सी शार्प, हेलो सी शार्प। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने सीखा वे हमने किस तरीके से हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर सी शार्प में शेप्स को और टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं, तो शेप्स में हमने आज जो देखा वो हमने एलिप्स को ड्रॉ करा विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ रेक्टेंगल एंड ड्रॉ एलिप्स मेथड, और ड्रॉ स्ट्रिंग और ड्रॉ टेक्स्ट मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर टेक्स्ट को ड्रॉ किया। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।